बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शामदीद कहता हूँ मैं आपको यूट्यूब के इस कचहरी में। आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, जो कचहरी करने जा रहे हैं, वो है अबाउट इंट्रोडक्शन टू एडमिन लॉ। बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट ये है जो सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। कहते हैं कि जो आपका वर्टिकन से जो LLB है, जो लॉ है, वो उसको कहा जाता है कि दिस इज ए प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। बादशाहों के प्रोफेशन को LLB कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। मगर मैं कहता हूँ कि उस प्रोफेशन को, जो बादशाहों को प्रोफेशन, यही सब्जेक्ट बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर भी LLB पढ़ाई जाती है, वहाँ पर किसी न किसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जरूर पढ़ाया जाता है। कहीं पे सेकेंड ईयर तक, कहीं पे थर्ड ईयर, हमारे यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं आज इस लेक्चर में, जो बात करने जा रहे हैं कि खुद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होती है। बिल्कुल इसके बुनियाद को हम आज लेकर चलेंगे आगे, और उससे रिलेटेड अगर चे और मुझे जरूरत पड़ी तो डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर भी हम उस पर बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये जो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखें, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का होना लाजमी है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो तीन चीजों में, तीन जो है पावर्स में सेपरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन सी वो तीन एलिमेंट या पिलर्स हैं? वो हैं, फर्स्ट है पार्लियामेंट, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा है जुडिशरी, और तीसरा आपका एग्जेक्टिव अथॉरिटी, या जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो स्टडी है एडमिनिस्ट्रेशन की। इसका मतलब है किसकी? एग्जेक्टिव अथॉरिटी। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था मॉन्टेस्क्यू को, और जो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो देखी जाती है आज के जमाने में, एग्जाम्पल जो बेहतरीन है वो है फ्रांस। फ्रांस के अंदर ये तीनों का बिल्कुल एग्जैक्ट सेपरेशन बताया जाता है, क्योंकि वहां पर जो पार्लियामेंट काम करती है वो वाकई में फ्री ऑफ एनी जो है इंटरफेरेंस के वो काम करती है। जुडिशरी में किसी का पाँव नहीं लगता बगैर जजेस के, और एग्जेक्टिव अथॉरिटी वो अपने हिसाब से काम करती है। तो बिल्कुल एक बेहतरीन निज़ाम वहाँ पर देखा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम उसको कहेंगे। सही है। और इसके डीप में थोड़ा जाते हैं। आइवर जैनिंग जो है बेहतरीन स्कॉलर रहे अपने वक्त के, उन्होंने जबरदस्त तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो फ्रेम आउट किया है, एक बेहतरीन डेफिनेशन में वो कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपके निजाम को संभालने का जो कानून है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। देखें, पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। उसी कानून को इम्प्लीमेंट, सॉरी, इंटरप्रीट जो है वो कौन करता है? जुडिशरी। मगर आप इंटरप्रीट करो चाहे कानून बनाओ, उसका कोई फायदा ही नहीं है जब तक आप उस कानून को कोई एडमिनिस्ट्रेशन ना बनाओ जो कि उसको इम्प्लीमेंट करे। एग्जेक्टिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होना लाजमी है जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो वही बात जेनिंग करता है, इट इज लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्टर करना वही कानून जो पार्लियामेंट पार्लियामेंट ने बनाया है। इट डिटरमिन्स दी ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर्स, ड्यूटीज और सब चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल सिंध यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल एयर यूनिवर्सिटी, या डिफरेंट डिफरेंट आपके काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, आपके सर्विस ट्रिब्यूनल्स, दीज ऑल आर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। इसके अंदर जो पब्लिक जो सर्वेंट्स बैठे हैं, ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और वो ऑर्गेनाइजेशन है जो के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जमरे में आते हैं, कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जो के कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं कानून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि नो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैन पास एक्ट। याद रखिएगा, कोई एक्ट पास पास नहीं कर सकती कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मगर वेन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मेक रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, सेमी लॉस बाय पावर ऑफ लेजिस्लेशन डेलीगेटेड टू देम पार्लियामेंट, डेलीगेटेड टू देम बाय पार्लियामेंट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कहता है कि खुद एग्जेक्टिव अथॉरिटी, खुद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी खुद एक्ट तो नहीं बना सकती, मगर
वो कानून बना सकती है। कौन से कानून? रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज एंड बायलॉज और सेमीलॉज क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। ये वो कानून होते हैं, ये वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपके लोकल अथॉरिटीज बनाते हैं, आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह ने बनाती है, आपके सर्विस ट्रिब्यूनल में, आज मैंने जैसे कि आपको बताया पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह हो गए, वो कानून जो बनाते हैं उनको हम कहते हैं बाय लॉज या सेमी लॉज, लोकल अथॉरिटीज बनाए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट बनाती है वो बाय लॉज नहीं होते, वो एक्ट होते हैं या कानून होते हैं, या उसके अंदर फर्दर जो एक्सेप्शन में प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस हो जाता है, तो वो चीजें उसके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्या बनाती है? रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज एंड सेमी लॉज। मगर इनों को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को ये पावर कानून बनाने की, कौन से कानून? रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज एंड सेमी लॉज बनाने की पावर किसने दी? आंसर है पार्लियामेंट ने, थ्रू डेलीगेशन। भाई डेलीगेशन के थ्रू क्यों दी? वो खुद बनाए, पार्लियामेंट क्यों दे रही है इनों को? एग्जेक्टिव अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को क्यों बनाने के लिए दे रही है? तो आंसर है कि पार्लियामेंट के पास वक्त नहीं होता है कि हर चीज के मुतालिक वो हर बार आके बनाती रहे आपके कानून वगैरह। इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, उनों को किनों को? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर डेलीगेट कर दी कि आप जो है अपने हिसाब से कानून बना दिए। तो उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर को क्या फॉलो किया कि उन्होंने पहले पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आगे, पाकिस्तान बार काउंसिल का, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि भाई एक्ट के थ्रू उन्होंने बता दिया कि अब जो वकीलों से मुतल्लिक कानून होंगे या लॉयर्स जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लॉ के अंदर, उन्हों से मुतल्लिक जो भी कानून होंगे अब वो पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनाएगी थ्रू पाकिस्तान बार काउंसिल जो एक्ट है उसके। ठीक है, सो अब क्या कह सकते हैं हम कि दे हैव क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब, क्वासी का मतलब होता है पार्शियल हाफ। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कानून बनाती हैं वो पार्शियल होते हैं। पार्शल क्यों होते हैं? क्योंकि वो पार्लियामेंट की तरह एक्ट नहीं बना सकते, पार्लियामेंट ने उन्हों को थोड़ी पावर दी है कि वो कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह बना दें, तो इस वजह से उन्हों के पास क्वासी लेजिस्लेटिव पावर है। इसी तरह उन्हों के पास क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है कि वो अपने फैसले खुद सोल्व करें। सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर अगर किसी बंदे का सर्विस का मसला है तो फिर उन्हों को कौन सोल्व करेगा? तो वहां पर जो अथॉरिटीज बैठी है वो ही सोल्व करेंगी। तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज भी दी गई है, मगर अगर जो वहां पर मर्डर का मसला हो जाए तो वो कौन सोल्व करेगा? तो फिर वो जुडिशरी के पास केस जाएगा। अरे बस, वो तो कुछ हद तक क्वासी पावर दी गई है, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल पावर। फॉर एग्जाम्पल, सच एज पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट, ये जो एक्ट है वो डेलीगेट्स द लॉ मेकिंग पावर टू पाकिस्तान बार। तो पाकिस्तान बार अब यहाँ पर क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट ने थ्रू एक्ट पावर दे दी कि आप कानून बनाए। इसी तरह पीएमडीएस नहीं है, या पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो कि मेडिकल के टेस्ट वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा, वो जो ये टेस्ट लेती है, जाहिर हर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुतालिक ये टेस्ट लेती है। तो इन लोगों को पावर किसने दिया? पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल एक्ट जो है उसने। अब कुछ डेफिनेशन को देखते हैं, तो दिस गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल मैं कंक्लूजन में आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये वो लॉ होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक होता है, जो कि आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करती है। मगर पार्लियामेंट के पास इतना वक्त नहीं है, इस वजह से पार्लियामेंट ने उन्हों को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिए हैं जिन्हों को हम कहते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव पावर। उसके अलावा उन्हों के पास और भी एक्स्ट्रा पावर है जिसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल पावर या अथॉरिटी, जो कि मैंने आपको बताई। अब आते हैं हरमन फाइनर की एक डेफिनेशन पे। वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज गवर्नमेंटल मशीन बाय विच पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड जा सके। पॉलिसी बनाई नहीं जाती, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी का एंड। तो ये जो कानून को इन्फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं, माइटलैंड, ये माइटलैंड क्या कहते हैं, ये फरमाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द फंक्शंस ऑफ पब्लिक बॉडीज। आपके जो पब्लिक बॉडीज होते हैं उनके फंक्शंस से जो डील करे सब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पब्लिक बॉडीज कौन थे भाई, कौन से? आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो सारे पब्लिक सर्वेंट्स बैठे हैं वो सब ये बंदे हैं। विलियम वेड की स्पेशल डेफिनेशन, या ये क्या कहते हैं, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। विलियम वेड को बिल्कुल मैंने कॉन्क्लूजन की एक बुनियाद पे ब्रीफली एक बनाई हुई डेफिनेशन है उसकी, क्या कहता है, इट इज लॉ डीलिंग विद द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स। आपने जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जो गवर्नमेंटल पावर्स दी हुई है उन्हों को सुपरवाइज करता है कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। गवर्नमेंटल पावर्स हियर मीन द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय पब्लिक बॉडीज, नॉट बाय लेजिस्लेचर। सो हियर द टॉपिक एंड्स गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माई वीडियो एंड चैनल बोथ। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। थैंक यू। खुदा।